नेता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर NMACC की लॉन्चिंग सेरेमनी के तीसरे दिन अंबानी परिवार की चार पीढ़ियां एक साथ नजर आई। इसमें मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन से लेकर आकाश और श्लोका अंबानी का बेटा यानी मुकेश अंबानी का पोता तक पूरे परिवार के साथ नजर आया। इस तरह देश और एशिया के सबसे अमीर शख्स की सभी चार जनरेशन एक साथ किसी सार्वजनिक मंच पर मौजूद रही। लॉन्चिंग सेरेमनी के तीसरे दिन कल्चरल सेंटर में विजुअल आर्ट्स के लिए समर्पित जगह द आर्ट हाउस का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी ने किया। कोकिला बहन ने दीप जलाकर द आर्ट हाउस का उद्घाटन किया। इससे पहले ओपनिंग सेरेमनी में मुकेश अंबानी, श्लोका अंबानी, ईशा अंबानी, स्वाति पीरामल, आकाश अंबानी और अजय पीरामल नजर आए थे। बता दें कि NMACC में देश और दुनिया की दिग्गज हस्तियों का भी जमावड़ा रहा। यहाँ पर बॉलीवुड से शाहरुख, आमिर, सलमान, ऐश्वर्या, प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण के साथ ही खेल जगत से सचिन तेंदुलकर समेत कई हस्तियां मौजूद रही। वैसे भी अगर अंबानी परिवार की तरफ से पार्टी हो तो उसका धमाकेदार होना तय है। तीन दिनों की इस लॉन्चिंग सेरेमनी में देसी विदेशी कलाकारों, धर्मगुरुओं और खेल और कारोबार जगत से जुड़े दिग्गजों ने चार चांद लगा दिए। इस लॉन्चिंग सेरेमनी की मेजबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और उनकी बेटी ईशा अंबानी ने की। वही नेता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के उद्घाटन पर नेता अंबानी ने रघुपति राघव राजा राम भजन पर नृत्य भी किया। उन्होंने रघुपति राजा राम भजन के नृत्य के दौरान गुलाबी और लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था। Bye.